हम क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में गूगल एडसेंस की एक नई अपडेट आई है और एक लॉ आया है नया। इससे पहले एक लॉ आया था यूट्यूब के लिए जो चिल्ड्रन से रिलेटेड था, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद बल्कि ये मेल उससे पहले आई थी, 3 दिन पहले की ई मेल है। CCPA इसका क्या मतलब है और इसको हमने इस पर क्या एक्शन करना है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा। तो कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट, ये एक लॉ है जिसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी प्राइवेसी पॉलिसी होती है या हमारी जो प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन होती है, जब हम कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं या कोई भी वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमें एक पॉपअप आता है अलाउ का या ब्लॉक का। तो जो हमारी कुकीज़ होती हैं वेबसाइट के अंदर, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो बाकी जो थर्ड पार्टी जो होती हैं वो हमारी हमसे पूछती हैं कि आपके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। या बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब होता क्या है कि जो थर्ड पार्टी जो एजेंसीज़ होती हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके बाकी जो एजेंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ये उस पर रिसर्च कर सके कि कौन सा बंदा कहाँ रहता है, उसे क्या एज है, वो क्या देखता है, वो उसकी क्या पसंद है क्या ना पसंद है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जब हम YouTube ऑन करते हैं अपना तो जिस ID से हम लॉगिन किया हुआ होता है हमने वो अकाउंट, तो जो चीज़ें हमने देखी हुई होती हैं उसी से रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ हमें हमारे सामने आ रही होती हैं। अगर आप किसी दूसरे बंदे का अकाउंट खोलें और जब उसका अकाउंट डैशबोर्ड देखेंगे आप यूट्यूब का, तो उसके सामने वही वीडियोस आ रही होंगी जो वो चीज़ें देखता है। तो ये कैसे पता चला यूट्यूब को या किसी भी चीज़ को कि आपको क्या चीज़ें पसंद करते हैं? जब हम सर्च करते हैं हमारी सर्च हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है कि हम क्या सर्च करते हैं। बहुत सारे लोग जो रेसलिंग देखते हैं उनको रेसलिंग की वीडियो ज़्यादातर रेसलिंग की चीज़ें नज़र आती हैं, जो सॉन्ग सर्च करते हैं उनको सॉन्ग की। इससे ये मालूम होता है कि जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं अपने कंप्यूटर से, अपने IP से, अपने ब्राउज़र से, वो सारी चीज़ें सेव हो रही होती हैं। और इसलिए अब होता क्या है कि जब ये सारी चीज़ें सेव हो रही होती हैं तो कहीं ना कहीं तो ये डेटा जा रहा होता है। तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को नहीं मालूम, तो हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी डेटा होता है वो कोई कैसे यूज़ कर सके ये हमें नहीं पता। तो इसलिए कैलिफोर्निया में जो लोग रहते हैं वहाँ पर ये एक्ट आया है जिसके मुताबिक आपको ये चीज़ अथॉरिटी दी जाती है गूगल एडसेंस के अंदर कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं, यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेसी करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। अगर आप वहाँ पर जो कैलिफोर्निया में लोग रहते हैं वो अपना एडसेंस जब खोलेंगे तो वहाँ पर जो है वो आपको ऑप्शन नज़र आएगा यस और नो का, प्राइवेट और नो प्राइवेट का। तो ये सिर्फ कैलिफोर्निया के लिए ही लॉ है, बाकी जितने भी यूट्यूबर या जो भी ब्लॉगिंग करते हैं या जो भी एडमोब यूज़ करते हैं उन सब के पास ये ईमेल लाजमी आई होगी क्योंकि ये गूगल एडसेंस की ही एक इम्पॉर्टेंट ईमेल है जिसमें इन्होंने सब्जेक्ट इसका ये लिखा है कि इम्पॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट द कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट CCPA। इससे पहले कोपा आया था यूट्यूब का, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। इस तरह की जो भी अपडेट आती हैं उसको आपको लाजमी पता होना चाहिए अगर आप एडसेंस यूज़ करते हैं तो, क्योंकि जिस तरीके से ये लॉ बन रहे हैं और जितनी तेज़ी से रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं तो हमें हर अपडेट के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं इसका थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। Dear partner, the California Consumer Privacy Act is a new data privacy law that applies to certain business which collect personal information. देखें जो कि collect करते हैं personal information from California residents. The new law goes into effect on January 1st, यानी कि 2020 का, यानी कि अगले महीने दिसंबर या फिर January 1st, 2020 से ये जो है वो एक्ट लागू हो जाएगा। गूगल ऑलरेडी ऑफर डेटा प्रोटेक्शन टर्म, यानी गूगल ने पहले ही इसके ऊपर अपना एक प्रोटेक्शन टर्म्स बना के रखी हुई हैं जिसका नाम है GDPR, यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये इन यूरोप यानी यूरोप में चल रही है। वी आर नाउ ऑल्सो ऑफरिंग सर्विस प्रोवाइडर टर्म्स अंडर द CCPA विच विल सप्लीमेंट दोज एग्जिस्टिंग डेटा प्रोटेक्शन, यानी कि आप इनकी इन्होंने ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड टर्म एंड कंडीशंस दी हुई, अगर आप चाह रहे हैं तो पढ़ दिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। अगर आप लोगों को ये ईमेल मिली है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, यूट्यूब पे हम देखते हैं कि यार अब ये हो गया, अब खतरे की बात आ गई,
या टेंशन क्रिएट कर देते हैं जितने भी क्रिएटर्स होते हैं, वो पढ़ते डिटेल्स में नहीं है और आगे इन्फॉर्मेशन गलत दे देते हैं, जिससे जो यूट्यूबर होता है या जो काम कर रहा होता है या जो भी वेब ब्लॉगिंग कर रहा होता है वो परेशान हो जाता है। क्योंकि जो भी यूट्यूबर है या जो ब्लॉगर है वो इतनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करने के बाद ट्रैफिक लेकर आता है, और उसके बाद अगर उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ऑब्वियसली वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो सही इन्फॉर्मेशन देना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जो हूँ मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी को भी ना दूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा, जो चीज़ मुझे पता है मैं आपको वही बता रहा हूँ, और ये भी मैंने पढ़ने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको गूगल की जो ईमेल मुझे आई है ऑफिशियल उसी से देखकर ही बता रहा हूँ। इनका जो पूरा आर्टिकल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों ने वो पहले पढ़ लेना है, उसके बाद आपको जो समझ में आया आप वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।